कैसे आप लोग, उम्मीद करते आप अच्छे होंगे। टुडे आई एम डिस्टर्ब टू इनर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चंस। इफ साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी प्लस साइन इनवर्स सी इज इक्वल टू पाई, देन a 1 माइनस a स्क्वायर प्लस इतना प्रूव दैट b 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस b स्क्वायर प्लस c ब्रैकेट 1 माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 a b c। सॉल्यूशन, We know that sin inverse a का अपन कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल ए sin inverse b को कैपिटल b, sin inverse b को कैपिटल b एंड sin inverse c को कैपिटल c, यानी a प्लस b प्लस c इक्वल टू मेरा क्या हो गया, पाई। ठीक है, इस टाइप से ए फिर मैं क्या लिख दूंगा, साइन ए ब्रैकेट वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन बी ब्रैकेट वन माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन सी ब्रैकेट साइन स्क्वायर सी, साइन सी ब्रैकेट वन माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थी, देन कॉस स्क्वायर ए साइन बी ब्रैकेट कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन सी ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थी, देन साइन ए cos a plus sin b cos b plus sin c into cos a। फिर से लिखते हैं, we know that sin a equal to होता है 2 sin a into cos a, then you can write it, so 1 by 2 into 2 sin a cos a plus 2 sin b cos b plus 2 sin c 2 sin c cos c। मैं क्या लिख सकते हैं, 1 by 2 sin 2 a plus sin 2 b plus sin 2 c लिख सकते हैं, then इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin c plus d equal to क्या होता है 2 sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2, ठीक है। यानी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है, यानी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, पाई माइनस सी, पाई माइनस सी, यानी 1 बाई 2 इंटू 2 साइन 2 साइन कितना जाएगा, पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन 2c 1 by 2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2
sin c into cos a minus b plus sin 2c. ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, sin c cos a minus b है क्या आया था, sin c cos a minus b plus 1 by 2 sin 2c. ठीक है, अपन क्या लिख सकते हैं, sin c cos a minus b plus 1 by 2 into 2 sin c into cos c. ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा क्या बचा, sin c कॉमन ले लिया, sin c कॉमन ले लिया, तो मेरा बचा cos a minus b into cos c. ठीक है, c को क्या लिख सकते हैं, a plus b is equal to a plus b plus c is equal to pi होता है, then c is equal to pi minus a plus b, तो यानी sin c cos a minus b into cos pi minus a plus b. तो इसको क्या लिख सकते हैं, sin c cos a minus b into cos a plus b, cos c into cos d इज इक्वल टू क्या होता है, यहां पे हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहां पे प्लस छूट गया, प्लस cos c plus cos d इज इक्वल टू क्या होता है, यानी होता है sin c into cos c plus cos d इज इक्वल टू होता है 2 sin d plus c by 2 b a plus c by 2 into sin d minus c by 2 d minus c by 2. ठीक है, अब देखो इसमें क्या हुआ, b से b कैंसिल आउट, a से a कैंसिल आउट, तो मेरा क्या बचा, sin c into sin c into sin 2a by 2 into sin 2b by 2, then sin a इज इक्वल टू मैंने क्या लिया था a, sin b इज इक्वल टू b, sin c इज इक्वल टू c, a मेरा क्या होगा 2 है ही, तो मैं क्या हो गया प्रूव हो गया 2 a b c. थैंक यू.